विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतम् यथा निस्त्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमेदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। धर्मः कर्म विशेष एष विहितः शास्त्रैर्मनः शुद्धये शुद्धिया सिद्धपदार्थबोधनविधा निर्बाधमादीयते। तत्त्वं त्वं तदिति प्रमा श्रुतिरमा भेदभ्रमापोहिनी पूर्णानन्दपदप्रसादपरमा सद्यः क्षमा मुक्तये। फुल्लेन्दीवरकान्तमिन्दुवदनम् बर्हावतंसम्प्रियम् श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुवधरम् सीताम्बरम् सुन्दरम् गोपीनाम् नयनोत्पलार्चिततनुम् गोगोपसङ्घावृतम् गोविन्दम् कलवेणुवादनपरम् दिव्याङ्गभूषम् भजे। गोपीनाम् नयनोत्पलार्चिततनुम् गोगोपसङ्घावृतम् गोविन्दम् कलवेणुनादनपरम् दिव्याङ्गभूषम् भजे। ॐ नारायण नारायण नारायण। सोई परिपूरन अपार पार ब्रह्म राशि देवकी के कुरें एक बार ही कुरय परी। सारा परिपूर्ण ब्रह्म द्वितीय ब्रह्म नन्हा सा बालक होकर वो चतुर्भुज होने पर भी नन्हा ही था वो और छोटा ही था। देवकी वसुदेव भगवान के बड़े भक्त थे। जैसे ये गोकुलवासी वृंदावन वाले अपने पक्षपात से मानते हैं ना कि असल में भगवान हमेशा वृंदावन में रहते हैं, कभी बाहर जाते ही नहीं हैं, उनका न जन्म है न मरण है, नित्य विहार स्थली वृंदावन है। गोकुल वाले मानते हैं कि पैदा तो गोकुल में जसोदा मैया से हुए थे, वो देवकी वाले तो ऐश्वर्यशाली थे, वासुदेव थे, वो आके इनमें समा गए और फिर निकले, फिर निकल के अक्रूर के साथ वही चले गए और जसोदा नंदन तो गोकुल में ही ब्रज में ही रह गए। वैसे ये मथुरा पक्ष जो है उसका कहना है कि असली भगवान देवकी वसुदेव से पैदा हुए और मथुरा भगवान का नित्य धाम है। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरे, ये भागवत का ही श्लोक है। मथुरा वो स्थान है जहां भगवान नित्य सन्निहित रहते हैं, हमेशा मथुरा में रहते हैं। तो असल में देवकी वसुदेव से जब भगवान प्रकट हुए तो एक रूप से भगवान देवकी के पास ही रह गए हो। देवकी उनको अपनी गोद में सुलाती थी,
दूध पिलाती थी, उन्हीं को प्यार करने, तो देवकी मार जाते हैं। इतना बड़ा, इतने बड़े बालक का वियोग होने पर देवकी जिंदा कैसे रहते हैं? तो वो दूध पिलाती थी, वो प्यार करती थी, वो अपने साथ सुलाती थी, खिलाती थी। 12 बरस तक उन्होंने बिल्कुल गुप्त रूप से श्री कृष्ण को रखा। जब अक्रूर गोकुल से, वृंदावन से जब यशोदा नंदन को ले आए, तब वो आके देवकी नंदन में समा गए। तब ये फिर प्रकट हुए और इन्होंने कंस वंश को मारा। नारायण, तो इनके प्यार का, देवकी के वात्सल्य का वर्णन तमिल भाषा में जो श्रीमद् भागवत है ना, उसमें उसका वर्णन आता है। तो वात्सल्य की दृष्टि से देवकी वसुदेव जो हैं वो कमजोर नहीं हैं, ऐसा वहां के लोग मानते हैं। अब नारायण, वसुदेव की पहले दृष्टि पड़ी, अरे अद्भुत बालक क्या पेट में से निकला है, अद्भुतम बालकम। जैसे सब बालक होते हैं वैसा नहीं है, अद्भुत है। कैसा है? बालक को ब्रह्माजस्य, क माने ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा जिसके बालक हैं वो बालक बन के आया है। बालेशु बालेशु कानि ब्रह्मांडानि जस्य, जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड हैं, ऐसा बालक आया है। अरे कोई ऐसा बालक होता है कि पैदा होते ही कमल की तरह उसकी आंखें खिली हो, अंबुजे क्षणम। अरे दो हाथ के बच्चे होते हैं बाबा, ये तो 4 हाथ का है, चतुर्भुजा, ऐसा बालक देखो आश्चर्य। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने के लिए 4 हाथ लिए हुए है। चारों अवस्था जो है, और तुरिया और क्या नाम है, सुषुप्ति प्रलय और तैजस हिरण गर्भ की अवस्था जो है सूक्ष्म, और जो है वैश्वानर विश्व की अवस्था स्थूल जागृत, वो सब उसकी भुजा के रूप में है। चारों अवस्था में वही एक है, चतुर्भुज है। शंख गदा अरि और उद, 4 आयुध धारण किए हुए है वो। अरि माने चक्र होता है, अराह संति अस्य इति अरि, इन्नंत प्रयोग है ये। अरि जैसे शत्रु के लिए शब्द होता है वो नहीं है, अराह संत्यस्य इति अरि, अरि चक्रम, अरि अरिणौ अरिणः, ऐसे इसका चलता है पुमलिंग में रूप और नपुंसक में अरि होता है, अरि। संख है जिसके छेद में, जिसके आकाश में कल्याण का निवास है, सम खे यस्य असल संख्या। गदा है, ओ महाराज गदती, वो तो बोलती है। अरि चक्रम उद, उद शब्द का अर्थ है उदज, लाक्षणिक शब्द है। गले में श्री वत्स का वक्षस्थल पर श्री वत्स चिन्ह है, और गले में कौस्तुभ मणि है, गलसो भी कौस्तुभम। ये जीव को प्यारा प्यारा जो जीव है उसको कौस्तुभ मणि के रूप में भगवान अपने गले में धारण करते हैं। न उसमें छेद है और न उसमें कोई सूत है, बंधन है, रंग लाल है। आप कभी ध्यान करें, ध्यान नहीं करेंगे तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा कि उसका क्या रंग है। उसका रंग लाल है, उसमें कोई सूत जंजीर नहीं है, छेद नहीं है, और अनुराग का रंग है। अपने प्यारे जीव को, भक्त को अनुराग के रंग में रंग के भगवान अपने कंठ में धारण करते हैं, गले से लगा के रखते हैं। भगवान बड़े प्रेमी हैं। पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम, पीला पीला वस्त्र है शरीर पर, जैसे राधा रानी ही वस्त्र बन करके उनके अंग अंग से लिपट गई हों। पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम, जैसे रसवर्षी मेघ, जलवर्षी सांवरा मेघ
आकाश में उदय होता है वैसे सांद्र माने घना, घने जलवर्षी रसवर्षी मेघ के समान भगवान का शरीर है। सांद्र पयोद सौभगम महारहवैदूर्ज किरीट कुंडल त्विषा परिष्वक्त सहस्र कुंतलम। वो काले काले घुंघराले चिकने महीन जो दाल हैं उनके मुकुट और कुंडल की प्रभा पड़ रही है, चमाचम चमक रहे हैं। उद्दाम कांची करधनी है परंतु वो भी बांधी नहीं है, बांधी हुई नहीं, अपने आप सती हुई है, बाजू बंद है, कंकण है। ये भगवान की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं होते हैं, शोभा में विच्छेद करने के लिए होते हैं। कहीं कहीं शोभा टूट जाती है तो और चमकती है। अमरकोश में शोभा के जो पर्यायवाची शब्द हैं उनमें विच्छित्ति शब्द भी है। एक ही रंग का सब दिखे तो शोभा नहीं मालूम पड़ेगी, हो कहीं कहीं टूट जानी चाहिए। टूट टूट के अंग शोभा को दिखाने के लिए ये आभूषण होते हैं। भूषण भूषणांगम भगवान के शरीर से, भगवान के शरीर से इनकी शोभा बढ़ती है। अब वसुदेव की दृष्टि पड़ी, आश्चर्य चकित हो गए। आश्चर्यवत होता ही है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम्। भगवान को कोई देखेगा तो आश्चर्य तो हो गई। फिर आश्चर्य तो ये हुआ कि ये हमारे बेटे हो गए हैं। अब उनको मालूम हुआ ठीक है, हमारे जन्म के समय जो नगाड़े बजे थे देवताओं के उसका यही अर्थ है। आनक द्वंद सदा श्री कृष्ण के जन्म से जो उनको संभ्रम हुआ। आदमी को आनंद होवे और मुट्ठी बंधी रह जाए, ये नहीं, वो लुटाने का दिन होता है, बेटा हुआ ना, आज भी नहीं लुटाओगे तो कब लुटाओगे। लेने के समय खुश होते हैं, जब देने का समय आता है तब तो मुट्ठी बांध लेते हैं। बोले अब वसुदेव जी के पास तो कुछ नहीं था, आनंद में तो उन्होंने स्नान किया, जेल खाने में स्नान कहां से करते है ना, जमुना नहीं थी, गंगा नहीं थी, आनंद की धारा में स्नान किया और 10,000 गायों का दान ब्राह्मणों के लिए मन ही मन किया। ये 10 इंद्रियां जो हैं, ये 10 गाय हैं और इन इंद्रियों की जो सहस्त्र सहस्त्र वृत्ति हैं वो 10 सहस्त्र हैं। और भगवत प्राप्ति की प्रसन्नता में उनका अर्पण होता है। अरे पहचान लिया कि ये तो भगवान हैं, स्तुति करने लगे। वसुदेव जी ने कहा पहचान लिया महाराज, पहचान लिया, आप परम पुरुष हैं और सबकी बुद्धि के साक्षी, त्वम पद लक्ष्यार्थ और केवलानुभवानंद स्वरूप तत्पद लक्ष्यार्थ दोनों की एकता आप हैं, आपसे ही ये सृष्टि हुई है, सब में आप भरे हुए हैं। सृष्टि होने पर आपने इसमें प्रवेश किया ये कहना भी नहीं बनता, और पहले आपने प्रवेश किया तब सृष्टि हुई का ये भी नहीं बनता। बताओ घड़ा बनने पर उसमें मिट्टी घुसी है? वो तो मिट्टी मिट्टी है। तो महाराज क्या हुआ, एक बात यहां बड़ी मार्के की कही हुई है। ये जो दुनिया हम देखते हैं इसमें सब जगह परमात्मा है, सब परमात्मा है, क्या तब दिखता क्यों नहीं है? ना होने से ना दिखता हो ऐसी बात नहीं है। हमारी आंखों में देखने वाली ज्योति अभी नहीं आई है इसलिए नहीं दिखता है। है तो वो यही, पर यहां तो बहुत कीड़े मकोड़े जो हैं सूक्ष्म वो भी आंख से नहीं दिखते हैं। परमात्मा सूक्ष्मता के कारण इन आंखों से ग्रहण नहीं होता है, है यही। ग्राह्यैर गुणैः सन्न अपि तद्गुणाग्रह, कोई आवरण नहीं है परमात्मा के ऊपर अपनी अविद्या अपने भ्रम के सिवाय। वो सब है, वो सबका अंतर्यामी है, वो अपना आत्मा है और वही तत्व वस्तु है। परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु सत्य है ऐसा जो मान बैठता है वो एक बाधित, एक मिथ्या पदार्थ को
स्वीकार करता है उसकी स्वीकृति बिल्कुल झूठी है। परमात्मा के सिवाय तो दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। लोग कहते हैं परमात्मा से सृष्टि हुई, ठीक है बाबा, परमात्मा में ही ये सृष्टि दिखती है और उसी से प्रकाशित होती है, तो ऐसा कहने में क्या हर्ज है। वही सृष्टि स्थिति प्रलय के लिए सारे गुण ग्रहण करते हैं। मैं जान गया आपने अवतार लिया है मेरे घर में दुष्टों को मारने के लिए, ये असभ्य है। कंस उसने ये सुनकर कि मेरे घर में आप आने वाले हैं, तुम्हारे बड़े भाइयों को मार डाला, अभी अभी पता चलेगा तो लेके आयुध आवेगा। जो वसुदेव जी ने सोचा भगवान सामने हैं और मैं कंस की याद कर रहा हूं तो अच्छा नहीं है। देवकी ने कहा ठीक है महाराज, जो आप हमारे अंतकरण में रह के प्रकाशित करते हैं अंतकरण को, अध्यात्म दीपा, जो हमारे अध्यात्म में हृदय में दिए की तरह प्रज्वलित होते हैं अखंड ज्योति के रूप में, वही आप साक्षात ब्रह्म हैं और प्रकट हुए हैं। जब ये सृष्टि नहीं रहती है तब आप रहते हैं। ये जो काल है ये तो आपकी चेष्टा है। ये जो मनुष्य है मौत के भय से भागता है, मृत्यु अजगर है और उसके भय से भागता है, बचना चाहता है, परंतु कहीं भी इसको निर्भय स्थान की प्राप्ति नहीं होती। ये जो तुम्हारे चरणारविंद है ना, ये है धन्वंतरी। धन्वंतरी के पास आ गया तो अजगर का क्या डर, सांप का क्या डर, तो अब तो सोवत सुख तुलसी भरोसे एक राम के, राम का भरोसा हो गया, पांव फैला करके सो जाओ महाराज। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। भगवान का भरोसा हो गया फिर डर काहे का। नारायण पर ये जो आपका रूप है ये कंस के सामने जाने लायक नहीं है महाराज। ये चतुर्भुज रूप प्रभृत्य वित्रा सहासी, आप अपने भक्त के हृदय को समझते हैं और त्रासहा हैं और भृत्य वित्रासहा हैं, सेवक के मन में जो डर है उसको मिटाने वाले हैं। तो इसको मांसदर्शियों के सामने मत करो, इस पापी को मालूम न पड़े कि तुमने मेरे पेट से जन्म लिया है। मैं कंस से डर रही हूं, डरना तो नहीं चाहिए लेकिन मेरा जो वात्सल्य है, प्रेम है, स्नेह है, वो मेरी बुद्धि को अधीर बना रहा है। समेट लो ना इस रूप को। भगवान ने कहा कि देखो पूर्व पूर्व जन्म में तुम लोगों ने, जब वसुदेव सुतपा थे और तुम प्रश्नी थी, तब तुमने हमारी आराधना की थी, बड़ी बड़ी तपस्या तुम लोगों ने की थी, तो महाराज मैंने तुमको दर्शन दिया और कहा कि वर मांगो। तो तुम लोगों को मालूम नहीं था कि संसार का विषय भोग कैसा होता है, इसलिए तुमने हमसे मोक्ष नहीं मांगा, ये मांगा कि तुम्हारे सरीखा बेटा होए। तो अब मैंने तो देखा दुनिया में मेरे सरीखा कोई और है नहीं, आप सरीस कहां ढूंढो जाई, कहां ढूंढो। सो महाराज मैं ही तुम्हारे तीन बार बेटा हुआ। तीन बार क्यों हुए, तीन जन्म में हुए हो, कश्यप अदिति से वही हुए, बामन के रूप में, पहले कृष्ण गर्भ के रूप में हुए और फिर बामन के रूप में हुए, अब फिर कृष्ण के रूप में हुए। बोले तीन बार क्यों हुए। जब किसी को कोई चीज देने को कह रहे और वैसा न दे सक वो न दे सके तो भगवान तो असमर्थ हो गए ना। उन लोगों ने ये कहां मांगा था कि तुम हमारे बेटे हो जाओ, और देने का वादा तो किया था कि अपने जैसा जो मांगोगे सो, तुम्हारे जैसा जैसा तो है ही नहीं, तब तो जैसा कैसा मैं हूं। तो लो एक बार अपने जैसा नहीं दे सका तो तीन बार अपने को देता हूं। अब तुम लोग देखो दो तरह से चिंतन करना, एक पुत्र के रूप में और एक ब्रह्म के रूप में। ऐश्वर्य मिश्रा भक्ति इसको बोलते हैं,
ये केवल मधुर भक्ति नहीं है, ये ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति है। तो ये लोग मानते हैं मथुरा वाले कि ऐश्वर्य तो परमात्मा का स्वभाव है, अपने माधुर्य को भेज देते हैं ब्रज में और वहां से लौट करके फिर ईश्वर का एक गुण है, जैसे उसमें बहुत से गुण है वैसे सौंदर्य माधुर्य आदि भी गुण है। और वृंदावन वाले मानते हैं कि माधुर्य ही परमात्मा का स्वरूप है, ऐश्वर्य आगंतुक है। ईश्वर तो ईश्वरता तो काम से किसी काम को करने के लिए ईश्वरता प्रकट करते हैं, मधुर तो हमेशा रहते हैं। ये कहते हैं कि ईश्वर तो हमेशा रहते हैं, कभी कभी गोपियों आदि के लिए अपनी मधुरता प्रकट कर देते हैं। ये दोनों पक्ष है महाराज, तो तुम लोग ब्रह्मचिंतन करना। और तुम लोग कंस से डरते हो तो ले चलो हमको गोकुल में, और वहां से यशोदा के गर्भ से प्रकट जो हमारी जोग माया है उसको ले आओ। अब तो भगवान हो गए चुप। प्राकृत शिशु हो गए, जैसे साधारण बालक, और वसुदेव जी लेकर के निकल पड़े वहां से। देखो वसुदेव जी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी ऐसा लगता है, जो शर्त हुई थी कंस के साथ कि हम सब बच्चे लाके तुमको देंगे वो तोड़ दी। वसुदेव ने शर्त नहीं तोड़ी, कंस ने तो पहला बालक लेके कह दिया कि ले जाओ और अब तुम लोग घर में आनंद से रहो। जब बच्चे होने लगे हो तब उसने वो घर में रहने वाली शर्त तोड़ के फिर जेल में डाल दिया। कोई कोई कहते हैं जेल में नहीं डाला हो, घर में ही नजर बंद कर दिया। वो वसुदेव जी का घर ही था, जेल खाना नहीं था। पर भोजेंद्र बंधने शब्द तो भागवत में भी आता ही है, अब लोग नहीं मानते हैं। ओ ये श्री कृष्ण जन्म स्थान बना, तो बनवाने वाले कहते हैं कि क्या हम जेल बनवा रहे हैं? नहीं नहीं, वसुदेव जी का महल बनवा रहे हैं। ऐसे पंडितों से लड़ाई होती है। ए भगवान, अब गोविंद जब ले करके वसुदेव जी गए तो, हाँ एक बात देखो, तो शर्त वसुदेव ने नहीं तोड़ी, कंस ने तोड़ी। दूसरी बात यह है कि जब भगवान ने आज्ञा की कि हमको गोकुल पहुंचा दो तो अपनी शर्त बढ़ी कि भगवान की आज्ञा बढ़ी? तीसरी बात यह देखो कि जो स्नेह है ईश्वर के प्रति, जो भक्ति है, वो तो इतनी बड़ी है कि भगवान को भी बस में कर लेती है, भक्त को भी बस में कर लेती है, और जो चाहे सो वो प्रेम करा दे। और उधर महाराज वर्षा होने लगी, शेष जी आए, छाया कर दी उन्होंने, जमुना जी बढ़ी, उन्होंने रास्ते में रुकावट डाली। और एक सांप तो पहले से काली नाग हमारे अंदर रहता है, ये दूसरा कौन आ रहा है? बढ़ गई, बा ले जाएंगे हमको। तो देखा कृष्ण आ रहे हैं तो झट सूख चरण स्पर्श किया, ऐसा लोग कहते हैं। हुआ क्या, जमुना जी ने कहा कि आगे, अरे इनसे तो हमारा ब्याह होने वाला है, हमारे पति है ना, कालिंदी से तो ब्याह हुआ ना। तो महाराज ब्याह होने के पहले ही लड़का अगर देख ले कि इतनी उग्र स्वभाव की श्रीमती जी हैं, है ना, हैं, वो भभक रही हैं बिल्कुल, वो फैन बह रहा है, तरंगें उठ रही हैं, है ना, बोले ब्याह होने के बाद ये क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रभु, देखो हमारा हृदय वो तुम्हारे लिए बिल्कुल खाली है। उसके बाद वसुदेव जी पहुंच गए नारायण गोकुल में। इधर तो मथुरा के लोग सो गए, तो मथुरा के लोग तो विमुख करणी जो माया है ना, विमुख जन मोहिनी माया, उससे मथुरा के लोग सो गए, भगवान निकल गए। और गोकुल के लोग भी सो गए, लेकिन स्वजन मोहनी माया से सोए, उनसे भगवान मिल गए। माया भी भगवान की तीन तरह की होती है, वो विमुख जन मोहिनी, स्वजन मोहिनी, स्व मोहिनी। अब तो वहां सब लोग सोए हुए, तो जा करके महाराज यशोदा जी को तो पता ही नहीं लगा, वहां जो लड़की हुई थी उसको ले लिया और श्री कृष्ण को सुला दिया। ये क्या बात है, भक्त का काम ये थोड़ी है कि भगवान को छोड़ दे और माया को ले आवे। आप देखो ये भी एक प्रेम है।
अपने पुत्र की भगवान की रक्षा के लिए यदि उसको कभी अलग भी रखना पड़े तो उसकी रक्षा के लिए उसको अलग रखना चाहिए। और ये दूसरे को भगवान दे रहे हैं, ये तो भक्त, ये तो आचार्य जी का काम है जसोदा जी को भगवान दे आए। अब कहते हैं कि जसोदा जी के दो संतान हुई थी ऐसा गौड़ेश्वर संप्रदाय में केवल मानते हैं और कोई नहीं मानता। बोला जसोदा जी के दो बच्चे हुए थे, एक बेटा एक बेटी। तो जो वसुदेव जी ने अपने बेटे को ले जाकर वहां रखा तो दोनों मिलके एक हो गए, नंद नंदन में वसुदेव नंदन मिल गए। और वो जो जोग माया जी थी उनको लेकर चले आए और ला करके उन्होंने जो देवकी के गोद में दिया देवी जी को, तो हथकड़ी बेड़ी फिर अपने आप ज्यो की त्यों लग गई। अब माया गोद में रहेगी, भगवान गोद में आए तो हथकड़ी बेड़ी छूट गई, फाटक खुल गए, सारे बंधन टूट गए। और जब माया गोद में आई तो फिर सारा बंधन ज्यो की ज्यो का त्यों, ये माया का स्वभाव है महाराज। अब वो तो वैसे ही रह गए। जसोदा मैया को तो पता ही नहीं कि हमारे बेटा हुआ कि बेटी हुई। इसके बाद महाराज क्या हुआ नारायण, सारे बाहर भीतर के सब, मथुरा नगरी का दरवाजा भी बंद हो गया, जेल का भी दरवाजा बंद हो गया। अब नारायण जो द्वारपाल थे उनकी नींद टूटी और उन्होंने कंस को खबर दी। अब वो तो बाल बिखेरे हुए महाराज, नींद तो उसकी थी ही नहीं, उसके हमारा काल आया काल, और आ करके छीनने लगा। देवकी ने कहा भाई जिसकी वजह से हमारे बच्चे की रक्षा हो रही है उसके बच्चे को बचाना तो हमारा धर्म है ना। और एक राजनीति भी देखो, यदि देवकी मोह प्रकट न करे बेटी के प्रति तो शंका हो जाएगी कि ये शायद दूसरे की उधार ली हुई ना हो। रोने लगी, अरे मैं तो मेरी आखिरी प्रजा पेट पोछनी बेटी है। नारायण इसको तुम मत मारो। तो छीन करके उसने पत्थर पर पटक दिया। माया किसी के हाथ में आती है पटकने से टूटती थोड़ी है। वो तो उड़ के गई आसमान में और नारायण बड़े बड़े देवता उसकी स्तुति कर रहे, पूजा कर रहे, बोले तेरा दुश्मन तो कहीं पैदा हो गया ब्रज में, ये कह के वो चली गई। और वो महाराज अनेक स्थान में जा करके अनेक नामों से पूजी। अब तो नारायण कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ, देवकी वसुदेव को छोड़ दिया, उनसे विनय किया, बोले कि मैंने तुम्हारे बहुत से बच्चों को मारा, मैं तो बिल्कुल राक्षस बन गया, पता नहीं मुझे कौन सा लोक प्राप्त हुआ। लेकिन बहन जी बहनोई जी इस बात का भी ख्याल करना, ये जो हमारे दुश्मन हैं देवता न, उन्होंने झूठी आकाशवाणी करके और हमको बरगला दिया, इसमें हमारा दोष नहीं, हमारे दुश्मनों का दोष। आदमी जो है वो अपना दोष जल्दी कबूल नहीं करना चाहता, हो जहां तक हो सके दूसरे पर डालना चाहता है। वो तो जिसको सत्संग प्राप्त हुआ है, महापुरुषों का जिनको आशीर्वाद है, वे ही अपने अंदर आने वाले दोषों को देख सकते हैं। तो नारायण कंस ने कहा देवताओं का दोष है बहन जी, मेरा नहीं है, ये तो जैसे संसार में एक दूसरे से चीजें मिलती हैं और अलग हो जाती हैं वैसे ही है, जनतवा सदा एकत्र न आ सके। प्राणी जो हैं वो सदा एक स्थान पर नहीं रहते हैं, और सदा न आ सके एकत्र न आ सके एकत्र सह न आ सके कथम दैवाधीना, कोई स्वतंत्र थोड़े ही है। जैसे संसार की वस्तुएं बनती हैं बिगड़ती हैं, पृथ्वी एक सरीखी रहती है, वैसे आत्मा एक सरीखा रहता है। ये भेद बुद्धि जो है वो तो अज्ञान है। तो बहन मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा तो क्या, लेकिन तुम उनके लिए शोक मत करो। अब महाराज तुरंत बोले हुए भगवान की माता पिता के सामने जाने पर इस तरह की बुद्धि आना, सत्संग में जाने पर हो अक्ल थोड़ी सुधर जाती है। उसने क्षमा मांगी,
न कोई मरने वाला है न कोई मारने वाला है, ये तो अभिमान मात्र है। आप साधु हो, दीन वत्सल हो, हमें क्षमा करो। अश्रु मुख पादौ स्यालह वक्रो रथाग्रही, ये साला जी जो हैं वसुदेव के साला जी हैं ना, तो महाराज आंख से तो आंसू कम गिरे, मुंह से आंसू गिरे। देखते हमने रोते समय कभी कभी किसी को देखा है, आंख से आंसू नहीं गिरते, नाक से पानी गिरने लगता है, मुंह से पानी गिरने लगता है, और जब झूठा आंसू निकालना चाहते हैं तो कहीं न कहीं से निकल ही आता है। अब देवकी ने तुरंत क्षमा कर दिया, ठीक है भैया ऐसे ही है, ये तो अज्ञान के कारण अहम भाव है, उसमें अपना पराया बनता है, ये शोक हर्ष भय आते ही रहते हैं मनुष्य को, लोग देखते नहीं है कि इसमें सच्चाई क्या है, भेद बुद्धि घर गई है। अब वो तो घर गया महाराज, ये तो सत्संग रहा। अब जब वहां गया तो कुसंग मिल गया, कुसंग का संस्कार बड़ा प्रबल होता है, सत्संग का धीरे धीरे पड़ता है। महाराज कुसंग का संस्कार तो जो बचपन में पड़ जाता है वो बड़प्पन तक हावी रहता है। बैर विरोध का जो संस्कार पड़ जाता है, संघर्ष का संस्कार पड़ जाता है, बात काटने का संस्कार पड़ जाता है, वो बहुत समझदार होने तक लगा रहता है। तो महाराज मिल गया कुसंग, फिर वही का वही। उन लोगों ने कहा जी आप काहे को डरते हैं, सारे ब्रज में जितने बच्चे पैदा हुए हों, चाहे 10 दिन के हों चाहे 10 दिन के न हुए हों, हम सबको मार डालेंगे, देवता लोग क्या करेंगे, वो तो सब तुम्हारे बाणों के डर से भाग चुके हैं, और तुमसे कितनी बार माफी मांग चुके हैं, वो तो जब शांति काल रहता है तब डींग हाँकते हैं। जैसे कई पुरुष होते हैं वो अपनी पत्नी के सामने तो अपनी बहादुरी की बात करते हैं, और एक पत्नी से बहुत बहादुरी की बात करता था कोई पुरुष हो, तो एक दिन वो स्वयं पुरुष का वेश धारण करके पगड़ी वगड़ी बांध के हाथ में लाठी लेके जंगल में पहुंच गई, तो सब उनका कपड़ा लत्ता उतरवा लिया। हाँ बहुत डराया, जब उन्होंने माफी वाफी मांगी तो छोड़ दिया। अब वो घर में पहले ही पहुंच गई, जब आए तो बोले आज हमको इतने डाकू मिले थे और इतने चोर मिले थे और उन सबको मैंने मार मार के भगा दिया, अरे उन लोगों ने हमारे कपड़े तो छीन लिए जरूर। अब उसने लाला के उनके कपड़े रखने शुरू किए, विचारों पर 100 घड़ा पानी पड़ गया। तो ये देवता लोग जो हैं वो शांति काल में दिंग हांकते हैं, युद्ध भूमि में कुछ पौरुष नहीं दिखाते हैं, ये भी एक बात है। अपने दुश्मन के पौरुष को कम करके जो आंकता है उसका पराजय होता है महाराज। शरीर में कोई रोग हो जाए तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इसी प्रकार जिसके मन में शत्रुता का भाव है उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये अपनी इंद्रियां जो हैं, जब जीभ काबू से बाहर हो जाए, चाहे खाने में चाहे बोलने में, अरे खाते हैं तो खाने दो, बोलते हैं तो बोलने दो, तो महाराज ऐसी बढ़ जाएगी इंद्रियां, ऐसी बढ़ जाएंगी कि फिर काबू में नहीं आती हैं। उन्होंने कहा कि ये विष्णु देवताओं का मूल है, और इसलिए पहले तपस्वी यज्ञशील ब्राह्मणों को मारना चाहिए। ये सलाह दी कुसंग में, ये सलाह मिली, ब्राह्मण गाय बेत तपस्या सत्य दम सम श्रद्धा दया शिक्षा क्रतु नारायण, ये सब भगवान के शरीर हैं, इनको मारने का उपाय यही है कि महात्माओं को मारा जाए, और महात्मा मर जाएंगे तो परमात्मा कहाँ रहेगा। अब ये महाराज मंत्रणा करी उसने, और जब मनुष्य की मृत्यु का समय आता है उसकी बुद्धि कुछ विपरीत हो जाती है, उसने महाराज तुरंत आदेश दे दिया मारो, जगह जगह जा करके मारो। अब उनको तो यही चाहिए था, जिसकी जो प्रकृति होती है उसको वैसा काम मिल जाए तो बड़ा खुश होता है महाराज। तो असल में ये जो महात्मा का अपमान है, महापुरुष का अतिक्रम है, ये आयु लक्ष्मी जास धर्म लोक मनोरथ सारे श्रेय का सत्यानाश कर देता है। अब महाराज ये इधर की बात मथुरा के हो गई, अब चलो कहाँ, ओ नंद गोकुल में।
महाराज ब्रज के लोगों के तो बड़े बड़े लच्छे होते हैं और ऐसा मजेदार वर्णन करते हैं, ब्रज प्रेमानंद सागर पढ़ो देखो क्या उसमें वहां की रीति रिवाज है। पर इसमें वर्णन है, सुखदेव जी ने कहा कि नंद के हुआ बेटा, नंद के आनंद भयो, जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। अब तो वहां आनंद मन्य बेटा नहीं हुआ, आनंद हुआ, जाता लादहा बेटा नहीं हुआ, आनंद हुआ। नंद छोटे थे हो, आनंद बड़ा आ गया, नंद से आनंद तो बड़ा होता ही है। पर महाराज बड़े उदार थे, उन्होंने तुरंत ब्राह्मणों को, वेदज्ञों को, ज्योतिषियों को बुलाया और स्नान किया विधि पूर्वक। ये हम लोग जैसे घंटे दो घंटे बाथरूम में नहाते हैं ना, इसका नाम स्नान नहीं है। स्नान तो दिव्य होता है, एक बार स्नान करो पवित्रता आ जाएगी। सूरज में से अमृत की धारा गिर रही है सिर पर, स्नान कर रहे हैं। गुरु चरणामृत हमारे ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करके हमको पवित्र कर रहा है, हमारी कुंडलनी शक्ति ज्योति फेंक रही है। स्नान किया जाता है, स्नान किया पवित्र हुए, स्नान के बाद पवित्रता का अनुभव होना चाहिए, वो साबुन से नहीं आता। और ये जो बड़े आदमियों के घर में वो कुंड बनता है ना, कुंड क्या बोलते हैं उसको, बाथ टब, महाराज उसमें तो ऐसी महिमा है उसकी कि सारे शरीर की गंदगी नाक में जाती है, आंख में जाती है, मुंह में जाती है, उसमें ऊपर नीचे का तो कोई भेद ही नहीं है। और जो लोग आपदस्त नहीं लेते हैं वो भी उसी में नहाते हैं, वो जो कागज का प्रयोग करते हैं ना, वे लोग भी उसी में नहाते हैं। हे भगवान, बुद्धि कहाँ गई, सड़ गई, क्या हो गया। तो स्नान ऐसा होना चाहिए जिससे पवित्रता का अनुभव हो। स्नाता सुचि, नंद बाबा कहीं अलंकार नहीं धारण करते थे, उस दिन उन्होंने स्वर्ण आभूषण धारण किया, स्वस्तयन का पाठ हुआ। भाई आप लोगों में तो कई तरह के लोग होंगे, मैं ऐसे हंसी के लिए बोलता हूँ, आप पर आक्षेप नहीं करता हूँ। भगवान की, अब उन्होंने स्वस्थ इनका स्वस्थ नहा इंद्रो वृद्ध श्रवा स्वस्ति शब्दो अविनाश वचना, स्वस्ति शब्द का अर्थ है अविनाशी कल्याण की प्राप्ति होए, स्वस्थ वाचन हुआ। फिर पुत्र का जात कर्म करवाया गया, ये संस्कार होता है। एक दिन काशी में गया मैं, पंडित राज राजेश्वर शास्त्री के घर में, लक्ष्मण शास्त्री द्राविड़ उस समय उनके पिताजी थे, और ब्राह्मण लोग स्वस्तयन कर रहे, होम होम हो रहा, गांव घर की स्त्रियां बैठी आंगन में। मैंने पूछा ये क्या है, दक्षिणी लोग हैं तमिलनाडु के, उन्होंने कहा आज गर्भाधान संस्कार है। गर्भाधान संस्कार होता है, अब उस गर्भ से जो बच्चा निकलेगा सोल धार्मिक होगा। जब 3 महीने का हो गया गर्भ, बोले आज क्या है, तो पुंसवन, पुंसवन संस्कार है, हर बच्चे का होता है, ये नहीं कि बड़े बड़े का होता है। आज 7 महीने का गर्भ हो गया तो क्या हो रहा है, सीमंतो नयन संस्कार हो रहा है, बेटा पैदा हुआ तो अभी नाल छेदन के पूर्व ही महाराज वो जात कर्म संस्कार हुआ। इस संस्कार से बच्चे का जो मन है वो बदल जाता है। विधिवत, पितरों की पूजा होने से परंपरागत धर्म आता है, देवताओं की पूजा होने से, क्योंकि पितरों से हमारे बाप दादा ऐसा ऐसा करते थे, ऐसे ऐसे थे, वहां से परंपरा का जो धर्म है वो जीवन में आता है। देवताओं की पूजा करने से इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है, और ब्राह्मणों को यज्ञ करने के लिए, जाग करने के लिए गाय का दूध चाहिए, घी चाहिए, मक्खन चाहिए, दही चाहिए, यज्ञ में दही का भी ना, दही की भी आवश्यकता होती है। तो महाराज
तुरंत उन्होंने नंद बाबा ने ब्राह्मणों को गोदान किया, तिल के पहाड़ बना के उस पर रत्न रख के उसको सुनहले वस्त्र से ढक के उनका दान किया। काले नष्ट एक सज्जन के घर में बेटा हुआ तो अपने घर की चीजें उठा उठा के वो गांव के लोगों को बांटने लगे, कुछ गरीबों को, कुछ ब्राह्मणों को, कुछ विद्वानों को। और उनके एक रिश्तेदार आए, बोले अरे क्या करते हो, अब तो बेटा हुआ है, घर में इकट्ठा करना पड़ेगा, पढ़ाना है, ब्याह शादी करनी है, और तुम बांटते क्यों हो। तो बोले कि देखो भाई, ये भी तो आज अपनी किस्मत लेके आया है ना, प्रारब्ध लेके आया है, मैं उसका प्रारब्ध थोड़े लुटा रहा हूँ, ये आया है तो कुछ लेके भी तो आया है, इसका लाया हुआ भी तो होगा, वो इसके काम आवेगा। अपने दिल को कभी छोटा नहीं करना चाहिए। कई चीजें का समय से शुद्ध होती हैं, कई चीजें जो हैं देहादि उस स्नान से शुद्ध होते हैं, कई चीज लग जाए शरीर में, गंदगी लग जाए तो धोने से शुद्ध होती है, कोई यज्ञ आदि करने से ब्राह्मण आदि की शुद्धि होती है, कोई तपस्या से, संस्कार से गर्भ की शुद्धि होती है, तपस्या से इंद्रियों की शुद्धि होती है, यज्ञ आदि से ब्राह्मण की शुद्धि होती है, दान से धन की शुद्धि होती है। मन जो है वो संतोष से शुद्ध होता है और आत्मा आत्मज्ञान से शुद्ध होता है। ब्राह्मण लोग पुण्यावाचन करने लगे, ओम पुण्याहम पुण्याहम पुण्याहम, पुण्यावाचन बोलते हैं। आज मंगलमय दिन है, आज पुण्य का दिन है, आज आनंद आया हुआ है, और बाजे बजने लगे, गायक गाने लगे, ब्रज में नारायण एक एक चीज हो स्वच्छ निर्मल कर दी गई, वहां के दरवाजे, वहां के आंगन, वहां के घर का भीतरी भाग सब सम्मार्जित हो गया, लीप पोत दिया गया, और चित्र विचित्र ध्वजा पताका श्रक शैल वस्त्र पल्लव तोरण लगा दिए गए, गाय बैल बछड़े हरदी तेल से लगा दिए गए, नारायण सबको हार वस्त्र पहना दिया गया। और गोप लोग हैं महाराज, वो तो गांव में काम करने वाले हैं ना, कोई शहर के छैल छबीले लोग तो थे नहीं। तो जब सुना उन्होंने कि मंगल हुआ, तब उन्होंने अपने को सजाया, बड़े बड़े कीमती वस्त्र आभरण, वैसे नंगे होके काम करते थे हो नंगे बदन, उस दिन कंचुक पहन लिया, पगड़ी बांध ली, कुर्ता पहन लिया, नारायण कंचुको स्नीत भूषिता रोज नहीं पहनते थे, और हाथ में भेंट पूजा लेकर के नंद बाबा के घर की ओर चले। गोपियों ने सुना महाराज, आनंद में भर गई, अरे जसोदा के बेटा हुआ, गाते हैं वहां ना, जसोदा जायो लालना, मैं वेदन में सुनी आई, जसोदा जायो लालना,